दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिना खान के बारे में। हिना खान का जन्म श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में हुआ। यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। इन्होंने 2009 में यह रिश्ता क्या कहलाता धारावाहिक शो से अपनी अभिनय की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने मुख्य किरदार अक्षरा के रूप में निभाया था। वही स्टार प्लस के अन्य धारावाहिक सपना बाबुल का विदाई, चांद छुपा बादल में और मास्टर शेफ इंडिया कुकिंग शो 3 में अतिथि की भूमिका में दिख चुकी है। हिना खान स्पेन में रियलिटी टीवी शो खतरों के खिलाड़ी के 8वें सीजन का हिस्सा भी रही है। वह रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 11वें एक प्रतियोगी है जो कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है। दोस्तों बात करते हैं हिना खान के प्रारंभिक जीवन की, तो मैं आपको बता दूं हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1986 को श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में हुआ था। खान ने 2009 में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA को CCA स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव दिल्ली में पूरा किया। हिना खान ने पहले तो एक पत्रकार होने की इच्छा रखती थी। उनके अध्ययन को पूरा करने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने एयर होस्टेस के कोर्स के लिए आवेदन किया लेकिन मलेरिया के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाई और सौभाग्य से उन्हें अभिनय का प्रस्ताव मिला। हिना खान के करियर की बात करें तो हिना खान ने 2009 में अपने टीवी के कार्य की शुरुआत की, जब उन्होंने भारतीय टेलीविजन ओपेरा यह रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा के रूप में अभिनय किया। 8 वर्षों के बाद उन्होंने यह परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 2016 में शो छोड़ने का फैसला किया। हिना खान सोनू ठकुराल के पंजाबी संगीत वीडियो बसुड़ी में दिखाई दी। हिना FHM इंडिया दिसंबर 2018 संस्करण के कवर पर दिखाई दी। प्राचीन अभिनेत्री हिना खान ने अपने करियर में लगभग 20 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते, जिनमें स्टार प्लस परिवार अवार्ड्स, ग्लोबल इंडिया फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, सोशल इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड, ग्रीन स्टार यंग एंटरटेनर्स अवार्ड और पीपुल चाइल्ड भी शामिल है। बात करें हिना खान के फिल्मी जीवन की, तो इन्होंने एक फिल्म में काम किया है जिनका नाम हेड है। यह 2018 में प्रसारित हुई। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर।